बराबरी, और वो भी हमारे मजाक थोड़ी है। चलो फिर, आपके लिए आपका भाई फिर से एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो लेकर आ गया जो कि काफ़ी कमाल का होने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या होगा, पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है आपको, एंड न्यू टेस्ट को हम डिलीट कर देंगे, एंड ऊपर में जो थ्री डॉट का आइकन है यहाँ पे, थ्री डॉट का आइकन आपको थ्री डॉट का आइकन पर टैप करके मैसेज पर टैप करना है। आप यहाँ पे जो विद है विद को आप 1080 रखो, एंड जो हैड है हैड को आपको 1920 रखना है, देन हम ओके पे क्लिक कर लेंगे। अब आपको फिर से प्लस के सेक्शन पर टैप करना है, फ्रॉम गैलरी पर टैप करना होगा, एंड देन यहाँ से सबसे पहले हम एक इमेज ऐड करेंगे यहाँ से, जो कि ये वाला इमेज है। अब इमेज को ऐड कर लेने के बाद यहाँ से आप 9x16 का रेशियो में इसे कन्वर्ट कर लेना। 9x16 के रेशियो में कन्वर्ट कर लेने के बाद इसे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा सा साइज को हल्का इंक्रीज इस तरीके से आपको कर लेना है, एंड देन आपको फिर से प्लस के सेक्शन पे, इससे पहले कि आप इसे लॉक कर लो ताकि हिले डूले ना, प्लस के आइकन पे टैप करो, टेस्ट पे टैप करो, देन यहाँ से हम अपना नाम लिखेंगे। तो नाम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, सारे एचयूएल जो भी आपका नाम है हम ऐसे लिख लेते हैं राहुल। देन आपको इस वाले सेक्शन पे टैप करके फॉन्ट वाले सेक्शन पे टैप करना है, एंड देन माय फॉन्ट पे टैप करके यहाँ से आपको वही अर्बन जंगल फॉन्ट ऐड करना है। ओके पे क्लिक करके अब साइज को हल्का आप इंक्रीज कर लो, साइज को हल्का इंक्रीज कर लेना है, एंड साइज को इंक्रीज कर लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो यहाँ पे क्या दिक्कत होता है स्पेसिंग का, तो लाइन स्पेसिंग पे टैप करके इस तरीके से थोड़ा सा इससे हम स्पेसिंग को भी अच्छे तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब ओके पे आपको क्लिक कर लेना है। अब इतना कर लेने के बाद आपको सबसे एंड में आपको सॉल्व करते हुए जाना है, रिफ्लेक्शन का एक सेक्शन बना हुआ है, आपको रिफ्लेक्शन को इनेबल कर लेना है, देन हम फिर से ओके पे क्लिक कर लेंगे। एंड देन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ की आपको यहाँ पे शैडो का एक सेक्शन है, शैडो थोड़ा सा आपको इनेबल कर लेना है ताकि ये और भी अच्छा लगे, देखने में मज़ेदार लगे। चलो अब ये तो आपका नाम हो गया, अब इसे ही ऐसा करते हैं कॉपी करके ना, कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे सिर्फ जो फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब साइज को हल्का इंक्रीज करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें इसे ऐड कर लेना है। चलो फिर सही है, एंड देन यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन को आप ऑफ कर लेना ताकि ये पता ना चले, थोड़ा साइज को हल्का इस तरीके से आप इंक्रीज कर लेना ताकि ये आपको देखने में अच्छा लगे, है ना। फिर तो इस तरीके से हमने इसे कर लिया। अब कर लेने के बाद ऊपर में भी आपको कुछ कैप वगैरह चाहिए ना, उसके लिए प्लस का आइकन पर टैप करो, फ्रॉम गैलरी पे टैप करो, देन यहाँ से हम वो कैप ऐड करेंगे। तो कैप हमने यहाँ पे ऐड लिया, एंड देन इसे हम इसके साइज को हल्का डिक्रीज करके ना, इसके साइज को हल्का डिक्रीज करके यहाँ पे, चाहो तो आप ऐसे कॉर्नर में भी रख सकते हो इस तरीके से, नहीं तो फिर ऐसे भी ये सही है। चलो फिर इतना तक तो सही है ना, फिर चलो इतना तक काम हो चुका है आपका। इतना कर लेने के बाद यहाँ पे आपके पास और भी कैप वगैरह होंगे दूसरे टाइप का, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस तरीके से, जैसा कि हमने ऐड कर, आपको भी इसी तरीके से ऐड कर लेना है। अब ऐड कर लेने के बाद ऊपर में एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पे टैप करके सेव एज इमेज डायमेंशन कस्टमर डॉनर अल्ट्रा देन सेव टू गैलरी। तो यहाँ तक तो काम आपका हो चुका है, चलो आप बैक जाते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने डाटा को ऑन करना है, एंड ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे सिक्योर VPN है जो कि आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसे डाउनलोड कर लेना है। कोई भी VPN हो आपके पास आप उसे मतलब VPN को कनेक्ट कर लेना, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, देन यहाँ से कनेक्ट हम कर लेंगे। अब कनेक्ट कर लेने के बाद हमें कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करके यहाँ से जो आपका वीडियो है, सबसे पहले जो आपने फ़ोटो बनाया है फोटो को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। यहाँ पे फोटो को हमने ऐड कर लिया। अब फोटो ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे सबसे एंडिंग पोर्शन पे आओगे तो यहाँ पे कैपकट का लोगो लगा हुआ है, तो हम इसे डिलीट करेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि सॉन्ग ऐड करना है, तो सॉन्ग ऐड करने के लिए ऑडियो वाले सेक्शन पे टैप करके यहाँ से एक्सट्रैक्टेड है ना, चाहिए या तो इसे इम्पोर्टेड को या फिर एक्सट्रैक्टेड को, आप इस पर टैप करके यहाँ से जो आपका वीडियो है, ये मेरा वीडियो है, वीडियो में से सॉन्ग को इम्पोर्ट कर लेंगे। अभी आपका वीडियो कहाँ से मिलेगा, तो वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा जहाँ से आप इसलिए इसे डाउनलोड कर सकते हो, एंड टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा, आप यहाँ से चेक कर लेना सबसे पहले। तो चलो फिर यहाँ तक तो आपका हो चुका है। अब ये तो आपका हो गया, सॉन्ग एक बार प्ले कर देख लेते हैं सॉन्ग है या फिर नहीं। हाँ तो सॉन्ग तो है ही ना, सॉन्ग आप लोग को सुनाऊँगा थोड़ी ही, कॉपी राइट आ जाएगा ना फिर। तो इस तरीके से हमने इसे कर लिया। तो अब हम यहाँ पे कुछ लाइक इफेक्ट लगाएंगे, तो इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको इफेक्ट वाले सेक्शन पे टैप करके यहाँ पे वीडियो इफेक्ट है, वीडियो इफेक्ट पे आपको टैप कर लेना है। अब टैप कर लेने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट कर लेना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको डायमंड ब्लर, डायमंड जूम या फिर हेलो ब्लर, दोनों में से आप किसी एक का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे हम डायमंड जूम का यूज़ कर देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगता है, कुछ ज़्यादा ही उससे अच्छा है, हेलो ब्लर से अच्छा है।
तो अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि अगर आपका 6 सेकंड का सॉन्ग है तो भाई आपको ये मतलब 2-3 सेकंड तक आपको रखना है, मतलब हाफ टाइम तक इसे रखना है आपको, हाफ या हाफ से थोड़ा सा कम। तो चलो ये तो आपका इफेक्ट हो चुका है। अगर इस इफेक्ट में थोड़ा सा आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे इफेक्ट क्लियर पे टैप करो, देन एडजस्ट वाले सेक्शन पे टैप करके यहाँ से भाई आप मतलब कुछ नहीं, बस स्पीड को हल्का बढ़ा देना, बस स्पीड बढ़ा देने के बाद कुछ इस तरीके से आपका वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। चलो ये आपका हो गया, एंड थोड़ा सा इसे और भी बढ़ा देते हैं ड्यूरेशन, इसका जो ड्यूरेशन है थोड़ा सा इसे हम बढ़ा देते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे और भी। इस तरीके से आपका देखिए वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे कुछ और भी इफेक्ट आपको लगाने हैं, उसके लिए बैक जाओ एंड देन आपको इस पर फोटो के लेयर पे टैप करके एनिमेशन वाले लेयर पे टैप करना है। एनिमेशन पे टैप करके बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, शेक थ्री, यहाँ पे जो शेक थ्री है ना आप इस पे टैप करके ड्यूरेशन 2.5 सेकंड कर लो, ड्यूरेशन 2.5 सेकंड इस तरीके से, देन हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपका वीडियो कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड होगा, मतलब जो भी एनिमेशन होगा जो आप देख सकते हो आपकी आँखों के सामने है। इस तरीके से आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। लास्ट में अगर कुछ ऐसे इस टाइप के ब्लैक स्क्रीन आ रहे हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं, बस थोड़ा सा ऐसा जितना आपका सॉन्ग का ड्यूरेशन है ना उसके अकॉर्डिंग आप इसे लगा दो कुछ इस तरीके से, तो ये बाद में ऐसा नहीं होगा। अभी तो ऐसा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा इसे अगर हम इतना बढ़ा देते हैं ना तो सही हो जाएगा। ये लास्ट में ऐसा ही होता ही रहता है, वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर लो तो वो आपका सही हो जाएगा। अब ऊपर में एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पे यहाँ पे आप अगर कुछ करना चाहते हो रिसोल्यूशन वगैरह फ्रेम रेट वगैरह आप कर सकते हो। अब ऊपर में एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पे टैप करके ना वीडियो इस तरीके से एक्सपोर्ट कर लो। तो आई होप आज के इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बस मिलते हैं कल के एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।